हेलो दोस्तों, आपके पास शाओमी का रेडमी का फ़ोन है जिसमें अभी गूगल कीप स्टॉपिंग का एक एरर आ रहा है, जिसमें काफ़ी सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए और कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरी स्टेप वन बाय वन आपको बताऊँगा। बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट ज़रूर करें और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ दोस्तों नीचे कमेंट करके हमें सजेस्ट ज़रूर करिए। बिना समय वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको फ़ोन की स्क्रीन पर और पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों ये है मेरा रेडमी शाओमी का फ़ोन। फटाफट से चलते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ढूंढना है ऐप्स। ऐप्स के अंदर आपको मैनेज ऐप्स, ऊपर आपको थ्री डॉट दिखाई देंगे, आपको इस पर शो आल ऐप को इनेबल कर देना है और सर्च में सिंपल लिखना है आपको गूगल। जैसे आप गूगल लिखेंगे सबसे पहले आ जाएगा ये। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अनइंस्टॉल अपडेट, तुरंत आप इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए। इसके बाद आप सेटिंग से आ जाएंगे बाहर और उसके बाद देखिएगा आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने गूगल का ऐप का अनइंस्टॉल कर दिया, देन उससे हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुआ प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हम हमेशा ऐसे इशू को हमेशा हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपका सजेशन है प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें सजेस्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।